नमस्ते बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए होने वाला है और इसमें हम लोग 8.2 पे चर्चा करेंगे। ये 8.2 का सॉल्यूशन वीडियो है, ठीक है। पहला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला सवाल में बस आपको मान याद करने के लिए कह रहा है, और ये मान आप कैसे याद कर सकते हैं, जब आपको टेबल वो वैल्यू याद रहेगा, ठीक है। जो टेबल हम लोगों का दिया गया इस चैप्टर से पहले वो हमें याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बोला, sin 60। तो sin 60 का क्या मान है याद कीजिए, √3/2, ठीक है। अभी अगर याद नहीं हो पाया तो आप उसे देख देख के लिख सकते हैं, और प्रैक्टिस करने से भी याद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार cos 30 का क्या मान है, तो √3/2 तो लिख दीजिए, है ना। प्लस का साइन है तो प्लस दे दीजिए। फिर sin 30 का क्या मान, 1/2 गुने। फिर cos 60 का क्या मान, 1/2, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, कितना, 3/4, है ना। √3 गुना होकर क्या हो जाएगा, 3, और 2 गुना होकर 4। प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 1/4, इसको जोड़ दीजिए तो कितना, 4/4, यानी कि 1 हम लोगों का यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर हम लोगों को बस क्या मान रखना है, तो 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब क्या यहाँ है, 10^2 45। तो जो 10^45 का मान है 1, उसका आप कर दीजिए स्क्वायर। प्लस है तो प्लस। फिर cos²30, cos²30 का मतलब क्या, cos 30 का स्क्वायर। cos 30 का क्या मान, √3/2, तो उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos²30 है, ठीक। माइनस तो माइनस। sin²60, तो फिर sin 60 का जो मान है उसका क्या कर देना है, हम लोगों को स्क्वायर कर देना है। तो ये गुना होगा कितना, 2। ये गुना होगा कितना, तो 3/4। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √3 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, तो इतना हो जाएगा। और घटाओ इसका कितना, 3/4। तो ये और ये क्या हो गया, कट गया, एक ही चीज़ था प्लस माइनस में, तो हम लोगों का आंसर आ गया 2, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे बना सकते। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, cos 45 का मान, तो लिख दीजिए cos 45 का मान क्या, 1/√2, और बटे है तो फिर बटे दीजिए। sec 30 का क्या मान, 2/√3, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर cosec 30 का क्या मान है, तो cosec 30 का मान 2 है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, नीचे में जो हर है उसका हम लोग भीम का जोड़ कर लेते हैं, ठीक है। इतना दूर का भीम का जोड़ कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, √3 का √3, और 2+√3। ध्यान से देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या था, 1 था, तो ये इसके साथ गुना होकर 2√3 हो जाएगा, ठीक। इसी चीज़ को अब आप क्या लिख सकते हैं, इतना गुने √3/2+√3, है ना। ये क्या उल्टा होके इसी के साथ गुना हो जाता है, तो ये 4 नंबर वाला 1 नंबर के साथ चला गया और 3 नंबर वाला 2 नंबर के साथ चला गया। ध्यान से देख लीजिए, अब इसी को हम जब गुना करेंगे तो ये गुना करके कितना आ रहा है, √3/2√2+√3। ये √2 इससे भी गुना हुआ और यही √2 इससे भी गुना हुआ। अब ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब इसका आप कर दीजिए परिमेयकरण, ठीक है। तो इसका जब हम परिमेयकरण करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा, खासकर बुक से, ठीक है। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। तो चलिए इसका परिमेयकरण कर लीजिए, कैसे होगा। तो जो चीज़ नीचे रहता है उसी को हम साइन चेंज करके अंश और हर में गुना कर लेते हैं, तो कर लीजिए गुना। तो जब इसको गुना करिएगा तो ऊपर ऐसे ही रहने दीजिए फिलहाल, और नीचे गुना कर लीजिए। नीचे क्या हो जाएगा, एक ही चीज़ प्लस में और एक ही चीज़ माइनस में, मतलब ये क्या हो गया, a+b और a-b हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, a²-b² करते हैं, तो a की जगह क्या है, 2√2 है, तो उसका स्क्वायर घटाओ 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ऊपर ध्यान से देखें तो इससे हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2√3 हो गया। देखिए दोनों में 2 था तो कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बचा, √2 घटाओ √6 बचा, ठीक है। और नीचे जब हम लोग गुना करेंगे, ध्यान से देखिए, तो ये कितना हो गया, 8 घटाओ 24। देखिए ध्यान से, ये गुना होके 8 आएगा और ये गुना होके 24 आएगा, तो 2√3, √2 घटाओ √6, और नीचे घट के कितना, -16, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, ये रूट छः घटाओ रूट दो हो जाएगा और माइनस 16, तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, अब जो बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। साइन 30 का मान रखिए 1/2, टेन 45 का मान रखिए 1, और फिर 2/√3। ठीक उसी प्रकार नीचे सेक 30 का मान रखिए, फिर कोस 60 का मान रखिए, और फिर कोट 45 का मान रखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 3/2 घटाओ 2/√3। ठीक उसी प्रकार इधर जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 2/√3। अब भीम का घटाव कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3√3 घटाओ 4 और 2√3। ठीक उसी प्रकार नीचे भी कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3√3 प्लस 4 और 2√3। तो देखिए ध्यान से, ये और ये क्या हो गया, कट गया, क्या बचेगा, 3√3 घटाओ 4 और 3√3 प्लस 4, और फिर से क्या, इसका परिमेयकरण कर लीजिए। कैसे होता है परिमेयकरण, बस साइन चेंज कर लेना है। तो ऊपर ध्यान से देखिए क्या हो गया, 3√3 घटाओ 4 का होल स्क्वायर और नीचे एक ही चीज प्लस और माइनस में, अर्थात क्या, a का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर। ऊपर तोड़ लीजिए, a का स्क्वायर 27, b का स्क्वायर 16 घटाओ 2ab। देखिए क्या हुआ, a माइनस b का होल स्क्वायर हुआ है। ठीक है, और नीचे कितना आ गया, 27 घटाओ 16, तो कितना हो गया, 43 घटाओ 24√3/11। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए। चलिए इस सवाल में क्या करना है, वैल्यू पहले पुट कर लीजिए, 5 है तो 5 लिख दीजिए, फिर कोस स्क्वायर 60, तो कोस 60 का वैल्यू का स्क्वायर कर लीजिए, फिर 4 × 2/√3 का स्क्वायर और घटाओ क्या, 1 का स्क्वायर, और फिर नीचे क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यू जो है आप टेबल से देखकर लिखते चल जाएं सबसे पहले। तो फिर क्या करिए, सबको व्यवस्थित कर दीजिए, तो 5 × 1/4 हो जाएगा, ये तो 1/4 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 4 × 4/3 घटाओ 1 की 1, और नीचे क्या हो जाएगा, 1/4 + 3/4। तो इसको जब आप व्यवस्थित करके भीम का जोड़ घटाओ कर लीजिएगा तो देखिए ध्यान से कितना आ जाएगा, 15 + 64 घटाओ 12/12, और नीचे क्या है, 4/4 है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए, कितना, 67 और नीचे 12, ये तो कट के 1 हो गया, अर्थात 67/12 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 × 10^30 का मान / 1 + 10^30 के मान का ही स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, देखिए 2/√3 और 1 + 1/3, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना ही तो आएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, कितना, 2/√3 और 4/3। ध्यान से देख लीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 2/√3 × 3/4 है ना, ये 4 नंबर वाला जो है सबसे ऊपर और ये 3 नंबर वाला यहाँ। देखिए अब 3 को क्या हम √3 × √3 लिख सकते हैं तोड़ के, उससे क्या हो गया, √3 √3 कट गया और ये इसको दो बार में काट दिया, अर्थात आंसर हमारा क्या आ गया, √3/2। लेकिन ऑप्शन में तो हमारा है ही नहीं ये अंक, यहाँ तो साइन 30, टेन 60, कोस 60 और साइन 60 दिया है। फिर हम लोगों को क्या देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस वैल्यू को रख रहा है, तो आप खुद देख लीजिए, साइन 60 वाला जो है √3/2 को रख रहा है, यानी कि साइन 60 का मान √3/2 होता है, अर्थात क्या, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए, 1 × 1 का स्क्वायर और 1 + 1 का स्क्वायर है ना, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 × 1 और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0/2, अर्थात क्या, 0।
यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। इसमें क्या करिए, सीधा वैल्यू पुट कर लीजिए, जो ऑप्शन दिया गया उसका वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। कि ए का मान क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। तो साइन टू अगुने ए की जगह जीरो पहले हम मान के चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, साइन जीरो हो गया, और साइन जीरो का क्या मान, जीरो होता है। तो ये हमारा क्या था, मान के चलिए एल एच एस था। अब हम लोग आर एच एस भी ले लेते हैं। आर एच एस क्या है, दो साइन ए, यानी दो गुने क्या, साइन जीरो, दो गुने साइन जीरो का मान क्या, जीरो, अर्थात क्या, जीरो। तो एल एच एस आर एच एस क्या हो गया, बराबर हो गया, अर्थात ऑप्शन ए ही हमारा सही है। अगर यहाँ एल एच एस आर एच एस बराबर नहीं होता तो फिर हम 30 की ओर बढ़ते, 45 की ओर बढ़ते, 60 की ओर बढ़ते। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल है तो एक ही ऑप्शन सही रहेगा, जो कि ए हमारा सही हो गया, अर्थात इससे हमको अब कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह का जब सवाल रहे तो हम बस वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। चलिए इस सवाल की ओर देखें, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को 2 tan 30 यानी कि 2 × tan 30 का मान, और फिर क्या, एक घटाव फिर से इसी का मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये कितना 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/√3, और फिर जब इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। फिर से इसे काट दीजिए, क्या, 2/√3 और 3/2, फिर √3 इसको काट के √3 कर देगा और 2 2 कट जाएगा, सिर्फ √3 आया। और √3 जो है ऑप्शन में आप देख लीजिए किसका मान होगा, तो हमारा tan 60 का मान √3 होता है, अर्थात ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। सवाल नंबर 3 देखिए, थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ही आसान है सवाल है। हम क्या करेंगे, tan a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, √3 दे रखा है, ठीक। तो tan a प्लस बी बराबर √3 जो है, क्या आप √3 को हटाकर यहाँ पे चाहें तो tan 60 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 का मान √3 ही होता है। और जब भी मेरा tan इधर भी रहे और tan इधर भी रहे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जब भी दोनों पक्ष में एक ही चीज़ रहे, इधर भी टेन है तो इधर भी टेन है, तो दोनों का थीटा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से सीधा लिख सकते हैं कि ए प्लस बी जो है बराबर है 60 के, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ साइन रहे, यहाँ साइन रहे, तो साइन के साथ जो वैल्यू दिया गया है थीटा के रूप में, वो दोनों बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या मान दिया गया, टेन ए घटाओ बी बराबर 1/√3। तो हम क्या इसी को लिख सकते हैं, टेन ए घटाओ बी बराबर 10 30। ध्यान से देखिए, 1/√3 को हम 10 30 भी तो लिख सकते हैं, और फिर वही फंडा हो गया, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, इसलिए इसका जो थीटा है ना, वो क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि ए घटाओ बी बराबर हम लोगों का 30 हो गया, और ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया। सवाल में क्या कर रहा था, ए बी का मान पूछ रहा था। अब ए बी का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, तो दोनों सवाल को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, दोनों जो समीकरण है उसको क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक समीकरण क्या था मेरा, ए प्लस बी बराबर 60 और ए माइनस बी बराबर 30, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2a, ये तो कट गया, 90, यानी ए का मान क्या आ गया, 45 आ गया। इसी ए का मान आप मान के चलिए समीकरण 2 में रख लेते हैं, तो जैसे ही ए का मान समीकरण 2 में रखिएगा क्या हो जाएगा, 45 घटाओ बी बराबर 30, तो माइनस बी बराबर क्या, 30 घटाओ 45, तो माइनस बी बराबर क्या, -15, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी बी का मान 15 आ गया, ठीक है। और इसी तरह का एक सवाल एग्जाम्पल में दिया गया है, उसको भी आप ट्राई करके सीख लें, ठीक है। और ये सवाल एग्जाम में आया है बहुत बार, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। चलिए सत्य असत्य पे आते हैं, तो पहला बात जो लिखा गया है वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि लिखा गया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर समझने के लिए मान लेते हैं कि ए जो है हमारा 30 है और बी जो है हमारा 60 है, मान लेते हैं अगर ऐसा, तो हमारा क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, यानी साइन ए प्लस 60 लिख सकते हैं, यही चीज़ क्या हो जाएगा, साइन
90 हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, एक होता है, ऐसे ही हम मान लिए, ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है, उत्तर की पुष्टि भी करना है कारण सहित, तो हम तो इसको असत्य बोल दिए, लेकिन हम कारण एक दे रहे हैं कि देखिए ठीक है, ए को हम 30 मान लेते हैं, बी को 60 मान लेते हैं, तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन 90, जिसका मान एक होता है। इस साइड क्या दिया था, साइन ए प्लस साइन बी, यानी हम क्या लिख देंगे, साइन 30 प्लस साइन 60, तो साइन 30 का क्या मान 1/2, और इसका मान √3/2। इसको सोल्व करेंगे तो एक तो नहीं आएगा, यानी क्या पहला बात गलत था। दूसरा बात जो लिखा गया है वो सही लिखा गया, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि भाई थीटा में अगर हम वृद्धि करेंगे तो क्या साइन थीटा का मान बढ़ेगा, तो बिल्कुल बढ़ता है, कैसे, तो देखिए साइन 0 का मान क्या होता है, 0। अब हम थीटा में वृद्धि कर दिए, ठीक है, 0 से 30 कर देते हैं, तो क्या वैल्यू, 1/√2, ठीक है। अब हम और थीटा में वृद्धि करके मान के चलिए 90 कर देते, तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब हम थीटा में वृद्धि कर रहे थे तो मान में भी वृद्धि हो रहा था, ठीक है, इसलिए दूसरा बात मेरा क्या है, सही लिखा गया है। चलिए तीसरा बात देखते हैं, कह रहा है कि अगर थीटा में हम वृद्धि करते हैं तो क्या कोस थीटा के मान में वृद्धि होगा, तो ये बात जो लिखा गया है बिल्कुल गलत लिखा गया है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम थीटा में वृद्धि करते हैं, जैसे कोस 0 का मान 1 है, ठीक है, और थीटा में हम वृद्धि करके क्या करते हैं, कोस 90 कर देते हैं, तो मान क्या हो गया, 0। तो अगर हम थीटा में वृद्धि करेंगे कोस में, तो वो घटेगा मान, बढ़ेगा नहीं, इसलिए ये बात क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा बात देखिए, कह रहा है कि थीटा के सभी मान के लिए क्या साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होंगे, तो बिल्कुल बराबर नहीं होंगे, कैसे भाई, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ले लिए साइन 30, है ना, थीटा को हम क्या मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं, तो साइन 30 का क्या मान, 1/2, और कोस 30 का क्या मान, √3/2, तो कहाँ थीटा के मान के लिए बराबर हुआ, बस 45 डिग्री लीजिएगा अगर अभी, तो साइन और कोस बराबर होता है, हमेशा बराबर नहीं हो सकता है। चलिए पांचवा बात क्या लिखा गया, क्या ए बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो कोट ए जो है परिभाषित नहीं होगा, अर्थात क्या, कोट ए यानी कि कोट 0, क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू 0 बता रखा है, तो क्या कोट 0 का मान अगर आप देखते हैं तो वो अपरिभाषित है क्या टेबल में, तो बिल्कुल है, इसलिए ये बात क्या है, सही लिखा गया है, ठीक है, धन्यवाद।